a South Asian Canadian channel. कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ क्योंकि पिछले दिन तुम देखा होगा मैं विधानसभा देकर जाके आया अभी मियां बीबी ने जाके उ बैठे असी बड़ा पीसफुली अपना उ प्रदर्शन किया एक सरकार के मूँह के चपेड़ सी फिर जे तुम साड़ी घरे जाके गल सुन लेंगे तो अज असी इतने थोड़ी विधानसभा च ना क्योंकि सारे इकट्ठे नहीं मिलते मैं सोचता सी भी काफ़ी कलाकार होंगे बिच उन्होंने ज्यादा एम एल ए कलाकार ही बने भी घट्टो घट अपनी लाइन के बंदे तो मैंने जरूर मिल गया कि मैं इस तरह सोचता परंतु हरेक बंदे ने मिलना तो दूर की गल साडे मियां बीवी ना अख मिला नहीं रहे नहीं समझी एक थोड़े जे कांग्रेस के एम एल ए बेचारे जिहड़े सीगे एक अकाली दल की कुड़ी करदीप कौर वो सानू जरूर मिले आके और सबू मदद का भरोसा दिता मैं सारे का धन्यवाद परंतु सरकारी पक्ष पर जोड़ा कोझा मजाक मेरे नाल कीता गया एक जिम्मेवार कैबिनेट मंत्री आके मैं भरोसा दिता है आप धरना नहीं देना मैं क्या जी मैं भी सहमत थोड़े नाल मैं एक सबका फौजी है धरना मैं भी नहीं चंगा लगता कोई देश विदेश जाने वाले की फ्लाइट कैंसल होती है मैं सड़क रोकी बैठा कोई बंदा टाइम से आता है कोई धी भैन बीमार है कोई एंबूलेंस के पेशेंट है रास्ता रोकने में भी हैप्पी पर करिए कि होर कोई हल दस दो की है कि थोड़े को गल लेके सारी गल सुन लो थोड़े को टाइम नहीं सब तो पहले जो सीएम साहब मेरे को घर आए मैं इतने आके वादा करके गए थे भी मैं जुडिशियल कमीशन बिठा दूंगा जिन्हें सिक्योरिटी लैब्स के गलती की उन्होंने अफसरों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगी अज तक नहीं अब अगली गल भी जिन्हें बंदे असं कहने भी तुम एफ आई आर के बंदे मैनशन कर दो कि वही गल तुम आपे जाँच कर लो असी कि तफ्तीश कौन करनी है तुम्हें करनी है ये थोड़ा तो लगता भी उन्होंने कि छड़ते हो पर नामजद करने के है हाले तक नहीं किए केवल तो केवल सू गिनती दस दिया बत्ती फड़ लिया तेती फड़ लिया भावें पाँह फड़ लो सू की दिक्कत आती है आ फड़ता तो अमृतपाल वाले केस के पत्नी सैकड़े फड़ लिया वो दोषी ने सारे असी तो कोई गुनाह करता वेख्या नहीं जितने उन्हें गुनाह किया उदो तुम्हें फड़िया नहीं जिसे महाराज का वोट आसरा लेके थाने के कब्जा किया उतने कार्रवाई करते लोगों को समझ भी आ जाता भी हाँ भाई अमृतपाल गलत करता से असी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती असं भी सहमत होते किसी गल भी हाँ जरा गलत गल हूँ जवाक तुम मारता बेड़ा गर्क तुम मेरे परिवार का करता उस तो बाद सू अरदसा जोगे भी नहीं छे असं वोट आसरा लेके बरसी समाप्त करके बच्चे विदा करना मालिक आपके चरणा चलो निवास देवे गुरु ग्रंथ साहब जी की चरणा च अरदास दो तेरी बेनती करनी सी तुसी साडा उत्थे भी गला घोट उस दिन सच जाणो मैं लगे जिवें मेरा बच्चा दोबारे मर गया क्योंकि 18 तरीक नूं जंग वर्गे हालात पैदा कर अमृतपाल तां भाई 16 तरीक नूं मेरा लुधियाने जी एन ई कॉलेज प्रोग्राम सी उत्थे बच्चे ने डिग्री कीती सी ते मैनूं उन्होंने मुख मेहमान वजो बुलाया सी बच्चे नूं मिलन वास्ते वो इतने मेरे पिंड फिरता सी शायद मैं नहीं मिल सकिया मैं घर आई नहीं सी ना मैं किसी को आने की कोई सूचना सी उसे उदू फड़ लेंगे उस बाद भी वो आपके घर ही बैठा सी कितने बाहर भज्जिया होया नहीं सी फिर जिहड़े ढंग नाल आपां नूं बेवकूफ बना रही ने दोनों सरकार केंद्र भी स्टेट भी एक बहुत गुस्सा खड़ा कर लिया सिद्धू की शहादत तुहाडे मन दे विच गुस्सा है मैं थोड़ू किसी देखो सद्दा दे के कदम किसी बुलाया जिसे मन के इतों बटा चढ़ता वह बंदा चल के मेरे को बहुता सियाना बंदा मेरे को भी नहीं होगा जो जहाँ मैं
मेरे वर्गे मैं मिलना मोदी जी पियां तो मैं भी कह लाना परे रह के रह गया जिसे घरे फेसबुक में बैठे सुझा देंगे है ना कहनी गल सौखी है तुसी कदे पुत की लाश नू थापी मार के संस्कार करके वेखो की दर्द होंदा है और घर दे विच इक्को संतान तुहाडी होवे और इन्ना निहायत काबल इंसान होवे इन्ना कामयाब बच्चा इन्ना आज्ञाकारी जवाक होवे ते तुसी बिना कसूर तो मार के उहदियां हड्डियां घरे भेज दिओ कंधा खान को आदियां ने भगवंत मान साहब कदे थोनू नहीं पता इस गल का गल तो आम होने की करते हो भी मेरे तो बद किसी जानकारी नहीं ठीक है गलत नहीं आने दिते थोड़ा पेश है मैं जिनी मर्जी सीरीयसली गल रखा तुम मेरी गल मजाक के छुड़ा दो मैं विधानसभा के गया मैं जिम्मेवार ने स्टेट के केंद्र वो तो कदम किसी की कार में चढ़ जाता कहीं की कार चढ़ मैं भाई सवाला बन के गया कार मैनू केंद्र विधानसभा तू बढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं एम एल ए नहीं मैं उत्तर इंस्पैक्टर साहब आते हैं कहते खड़े हो इत नहीं बह सकते मैं क्या जी की वजह मैं आपकी फरियाद लेके आया कहते गिरफ्तार करा कर लो भाई इतफाक बस उत एम एल ए ने मेरा पासपोर्ट बनाया हुआ बच प्लीज नहीं फट के मैं उठे अंदर चलो दे देंगे कोई गल नहीं मैं घर बहना सी उ ये गल बखरी है साड़ी विधानसभा का मैं गेट नहीं लंघ सकता और यूके जाके मैं विधानसभा के अंदर भी जा सकता जो बहुत मुल्क दिन भी सरकार ने और साड़िया भी सरकार अस बगान तो सू सत्कार मिलता है मैं गया पांच एम पी पाकिस्तान मूल है एक टेसी साहब ने एक भैन है मैं नाम भूल जाता चार पांच एम पी ने मैं पासे लाउन के बिठा के चाह पानी पाया और मेरे को लिखती रूप के लिया पाई दस जीत गई और मेरा मुद्दा उतों की संसद के उठाया और साझे बेनती मानते हैं इस गल ये कहते सिद्धू मूसे गल कह छेड़ते हो नप दो जो छेती दपना है और वो बरसी के उत्ते असं गल करा तुम कट्ठे हो उस कट्ठ में तितर बितर करने लिए सरकार ने हरेक वकीला ला दिया यकीन करो अभी श्रोमणी कमेटी का धन्यवाद करते हैं उन्होंने सू अपनी सेवावान दिखाई सू लगभग लखा के संगत आनी है तुम साड़ी लंगर तैयार करने में मदद करो उन्होंने चार पाँच सौ बंदा अपना लाया अभी इन्ना राशन सारी रात के तैयार करा दस कुंटल दाल अभी गौशाला के पा के पक्या हुआ राशन असी गौशाला गाइया पा के ये थोड़ी सरकार किमें कह दी असं आजाद हाँ असी आपका मरना भी नहीं कर सकते साढ़े सत्तर के भी दखलदाजी करते हो असं चाहते मैं बे बच्चे की लाश हथ के रख के बह जाना चौंक के मैं थोड़िया चीकों कढ़ा दिता चौबी घंटे के बच्चे सरकार मैं सबका फौजी मैं लून खाता सरकार का मैं आपकी जिंदगी का कीमती हिस्सा चीन के बार्डर से लाया मैं नसदीक तापमान बह के मैं हड गाले ने आपते मैं कंडम होकर फौज चो घरे आए हैं और तुम कहने भड़किया हुआ राष्ट्रवादी लॉरेंस है की देना लॉरेंस की तुसी गुंडा पालिया हो उ जेड़ा इन्हों के पिछों थोड़ा सिर चक के गल करूगा जेड़ा इज्जत ना जीवन की गल करूगा जेड़ा गैरत ना जिंदगी जीवन की गल करूगा वह सिर कलम करवा दोगे आ राष्ट्रवादी है तुम जरा रखा हुआ दिल्ली के किन्ने कमरे बनोगे ठीक है जो जंग लगती है शहादत देनिया पैदा ने असं भी मरेंगे जिते एक बुत लगे उतो दो लग जा पर अपनी जिद नहीं छड़ांगे कदे तुसी सानू डरा नहीं सकते मेरे बच्चे का की कसूर है दो कमर के मकान चो उठ के उन्हें पग की गल की हाँ मेरे को वीडियो है मैं स्टेटस पाया हुआ जी को मेरा नंबर देखे वे बच्चा से कहता मैं गोरे च गया मैं काले च गया मैं हाथ ला के दसा भी ये पग है इनू पग कहते हैं ये साडे रिलीजन का एक चिन्ह है साडा धार्मिक चिन्ह है पग और मैं इनू काले गोरे मुल्क लेके गया मैं उतों के अपने विरसे बारे अपनी बोली बारे उन्होंने जाणू कराया उन्हें काले हूँ भी अपना गाँव जोड़ा वर्णा बॉय से स्टील बैंगल के नाल आ रहे अमेरिका का बड़ा शो पचेला होना है जिथे ये गाने ने परफॉर्म करना वर्णा बॉय ने उतों तक लेके गए जिथे साड़ी पंजाबी बसों ना दे बराबर है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਨਾ ਰੋਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੀ, ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਹਲੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਐਮ ਪੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਉੱਥੇ ਐਮ ਪੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਊਆ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ ਖੁਦ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਗੇ, ਦਮਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਚੱਕ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤਾ? ਇਹਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਸੂਰ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ, ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਓ, 4x6 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜੋ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਤੀ, ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ। ਆ ਉਤਰੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੂੰਗਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਚੱਕ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਪਰਦਾ ਲੱਗਿਆ,
दिल्ली तो सूचना मैं मिलती है मेरे पर्सनल बंद को, पहली खरड़ के बनाने दूजी बठिंडे जेल के बनाने क्यों नहीं पता लगता सुन दोषी थोड़े को गिरफ्तार है पत्रकार के चैनल थोड़े को है हाले तक थोड़ी जांच ही हो रही सरकारें दिमाग चो गल करते भी गलों मैं दब दू मैं जनता से जाऊँ मेरा रब तुसी हो सच्ची गल लेके आऊंगा जिथे झूठा होया बेशक मैं जवाब दे दो भी सरा जी गल गलत है आपके घर में जा मैं वापस आ जाऊंगा थोड़ा डगा गुस्सा पर जिथे जाके अपील करा भी इतने झूठ मार दिया इतों भजा दो उ मेरी गल सुन इन्ना क वादा मेरे न करके जायो जोड़ा ये गलते झूठ बोलते हैं झूठे झूठा कह दो बस इन्नी क मेरी थोड़े तो आस है बतीरा सू सारा समझ आ कोई अपना वाला बड़ा लम्मा चौड़ा गल नहीं आप तीन चार बंद गल कहने भी इन्हों फ अंदर दे दो चलो असी सबर कर लिया साडा जवाब सू मिलता नहीं मेरी लड़ाई थोड़े खातर मैं तुम दोबारे फिर गल कहना मेरे सिद्धू ने वापस नहीं आना तुसी मैं अज भावें किन्ना मर्जी हलक पाड़ी जावा पर मेरी गल सुन लो ये कलू थोनू चकन गए थोनू एन एस ए तो डराउंगे थोनू मारे कानूनों को डरा के चाह के असाम भेज देंगे क्यों भाई असाम आ कंजर भेजे जे इतने बैठे जे लोगों का खून चूसते हैं इन्हों भेजो असाम यह गोइंदवाल के साहब जो थापिया मार दे कि हाँ असं मारे बदमाशी निकाल दी फलाना कर दी इन बारे तुम बिल्कुल चुपो ये साढ़े फन्या के बिठाते लिया के इतने बठिंडे बैठे ने गोइंदवाल बैठे ने फिरोजपुर बैठे ने कि हिस्साबत्ती की हुई है सरकार ने इन्हों के इन्ने से लाओ तो इन्हों भेजो काले पानी असाम की काले पानी है साढ़े भाई तक कोई मुलाकात वाला नहीं पिछे जाता कोई वो जवाक बन्ने बैठे ने उड़ी की गलती है उन्होंने जो कोई बंदा किसी का तुर भी पिया लिया जो समझा दो बिठा दो एक अद्धी बारी वार्निंग दे दो लै भाई अज तेन छता जब गाह फिर तू आह कम करेगा तू फल के तेरे से आह कार्रवाई करा तो सीधा ही इन्ने से ला दो घर बैठे थे असी तो अजे तक इन्ना राह देखा नहीं इस गल अमृतपाल अभिजात बनया पे हाले तक ना तू रोज नवी वीडियो आ जाती है उत्थे फिरदा सी कदे रेहड़ी ते चढ़िया फिरदा कदे किते चढ़िया फिरदा हद हो गई है अज के युग के सोशल मीडिया के युग के किन्ने झूठ बोली जाए थोड़ू ए लगता लोग रेलूफा खड़ के गलत सुन लेंगे सारे इस गल तो सारे जाने ही जाना दिमाग तो कम लो भी बन के थोड़ी सच्ची श्रद्धाली थोड़ी भरा यही है भी जड़िया करतूत यह करी जाने इन्हों आप नंगे दूर करें वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी A South Asian Canadian channel.